सिंधिया ने खोल दी राहुल गांधी की पोल, मध्य में राहुल ने जो बोला वो सब निकला झूठ। सिंधिया का दावा, कर्ज माफी के बाद कर सत्ता में आई थी कांग्रेस ने, एक किसान का भी नहीं किया कर्जा माफ। कर्ज माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए, किसानों को राहत शिवराज सरकार ने दी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफी का था। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ी और इस ऐलान का उसे फायदा हुआ और पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। सरकार भले ही 15 महीने चली हो लेकिन कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल की चर्चा इस चुनाव में सबसे ज्यादा हो रही है। कांग्रेस तो कमलनाथ सरकार के काम गिना ही रही है, बीजेपी भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने से पीछे हटती नहीं दिख रही है। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को ही अपने निशाने पर ले लिया है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी 2018 में शहर शहर जा रहे थे, दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर कांग्रेस का सीएम 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगा तो कांग्रेस का दूसरा सीएम आएगा और वो किसानों का कर्ज माफ करेगा। यानी एक तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को मंच से सीधे सीधे धमकी दी थी, जो भी सीएम बनेगा वो 10 दिन तक ही सीएम रह पाएगा अगर उसने किसानों कर्ज माफी नहीं की। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस सरकार भी बन गई, कमलनाथ सीएम बने और वो 15 महीने से सीएम रहे भी, लेकिन किसान कर्ज माफी हुई या नहीं इस पर जरूर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे सीधे राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि कांग्रेस का कहना साफ था किसान कर्जा माफ, सरकार बनी और किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कर्जा तभी माफ हुआ जब शिवराज सिंह चौहान ने योजना लाकर 12 लाख किसानों का 2200 करोड़ का कर्ज माफ किया। किसानों को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष के साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 सालों के अंदर 20,000 करोड़ मुआवजा के रूप में किसानों को पहुंचाया। कांग्रेस 5 गारंटियां लेकर आई है, ये उनके भ्रष्टाचार का 5G है। जिस पार्टी ने 2G का घोटाला किया हो वही पार्टी सरकार में आकर गारंटी नहीं देगी बल्कि 5G घोटाला करके चली जाएगी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के शिवराज सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, हम आज ही 1250 दे रहे हैं और आगे 3000 देंगे। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश सरकार गैस सिलेंडर 450 रुपए का दे रही है और भविष्य में भी ये 500 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। सिंधिया ने कहा कि एक ओर मध्य प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक ओर बीजेपी के रूप में ढाल और तलवार है, दूसरी तरफ श्रीमान भट्टाधार है। इस दौरान सिंधिया ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार गलती से भी बन गई तो जितनी भी योजनाएं हैं कमलनाथ की सरकार उन योजनाओं को बंद कर देगी। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो संबल योजना बंद, लाडली बहना योजना बंद, इसलिए हमें कांग्रेस को बंद करना है। सिंधिया के बयान से साफ है कि चुनाव में वो धीरे धीरे सीधे राहुल गांधी को ही अपने निशाने पर लेने लगे हैं। दरअसल कहा जा रहा था कि सिंधिया का अब बीजेपी से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है और वो कांग्रेस में वापसी कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह के संकेत दिग्विजय सिंह ने भी दिए थे, लेकिन सिंह ने यह साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सिंधिया को किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज़।